हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लड़कों में लिंग का साइज नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और बेल बटन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लिंग का साइज हमेशा इरेक्ट पेनिस का नापना चाहिए। लिंग का साइज कभी भी सिकुड़े हुए या फ्लैसिड, जिसे हम लिम्प पेनिस भी कहते हैं, उसका साइज मैटर नहीं करता है। रिसर्च के हिसाब से करीब 90% लोगों में जो लिंग का साइज होता है वो नॉर्मली 5 इंच होता है। ये 1 इंच ज़्यादा या 1 इंच कम भी हो सकता है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो ये साइज 4 इंच से 6 इंच तक हो सकता है। पर ध्यान रखें, ये साइज इरेक्ट पेनिस का होता है। जब तनाव रहता है पेनिस में, लिंग में जब तनाव रहता है, उसका साइज होता है 4 इंच से 6 इंच। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ओपीडी में बताते हैं कि सर मेरा साइज छोटा है, उसको बड़ा करना है, कोई दवा बता दीजिए। तो देखिए, अगर इरेक्ट पेनिस का साइज 4 इंच से 6 इंच के बीच में है तो दवा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। यूजली क्या होता है, जब हम पेनिस को अपने देखते हैं तो जो डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ, तो वो नीचे की तरफ लटका होता है, तो हमें वो छोटा दिखता है। अगर हम उसे ही मिरर के सामने देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा या नॉर्मल साइज का दिखेगा, क्योंकि जो हमारा एंगल होता है देखने का वो साइज को छोटा दिखाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा लिंग टेढ़ा है, राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड जाता है या ऊपर जाता है। तो देखिए, जैसे सबके नाक कान आड़े टेढ़े होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, वैसे ही लिंग जब इरेक्ट होता है तो किसी का लेफ्ट जाता है, किसी का राइट जाता है, किसी का ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लड़के पोर्नोग्राफिक देख के बताते हैं कि उसका ऊपर जाता है मेरा नीचे, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो देखते हैं उससे खुद को कंपेयर करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप देखते हैं वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्जरी ऑनलाइन ऐप है, या फिर हमारा वेबसाइट है surgeryonline.in, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमसे डायरेक्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर छोटा मोटा सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और भी लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।